हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कपल ट्रैवल मूनसाई में एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम आपको लेकर के चलेंगे श्रीनगर के मशहूर शालीमार मुगल गार्डन में। शालीमार बाग के ठीक सामने एक छोटा सा बाजार है। यहाँ पर हस्तशिल्प का कई प्रकार सामान, कई तरह के अलंकार, शॉल, कपड़े और सूखे मेवे भी बिकते हैं। अब बात करते हैं पार्क की। मुगल उद्यान के अंदर जाने के लिए प्रवेश मूल्य है जन प्रति 24 रूपए। अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस या फोटोग्राफी के लिए कोई भी अलग से चार्जेस इंक्लूड नहीं है। शालीमार बाग अप्रैल से अक्टूबर के महीने में सुबह 9 से लेकर के शाम 7 बजे तक खुली रहती है और नवंबर से मार्च के महीने में सुबह 10 से लेकर के शाम 5 बजे तक खुली रहती है। इस बाग में आप घूमने के लिए 2 से 3 घंटे ही पर्याप्त होंगे, लेकिन ये बाग इतनी ही खूबसूरत है कि आप चाहें तो इसमें पूरा दिन ही बिता सकते हैं। लेकिन असली खूबसूरती अगर आप देखना चाहते हैं तो शाम को देखिए। डूबता हुआ सूरज इस जगह को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देता है। भारतवर्ष के जम्मू और कश्मीर राज्य का ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर शहर के बाहरी इलाके में स्थित डल लेक के उत्तर पूर्व दिशा में अवस्थान करने वाला बृहत्तम मुगल उद्यान है शालीमार मुगल गार्डन। शालीमार मुगल गार्डन को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि शालीमार उद्यान, शालीमार बाग, फेरा बक्स, फेस बक्स इत्यादि। श्रीनगर का सबसे बड़ा, विख्यात और लोकप्रिय उद्यान है ये शालीमार मुगल गार्डन। इस शालीमार मुगल गार्डन का निर्माण मुगल बादशाह जहांगीर ने किया था अपनी प्रिय पत्नी मेहरुनिसा के लिए, जिन्हें नूरजहां की उपाधि से सराहा गया है। इस बाग का निर्माण हुआ था सन 1619 साल में। इस बाग को डल झील के उत्तर पूर्व दिशा में युक्त किया गया है। शोर लाइन गार्डन के तौर पर निषाद बाग का नाम भी शामिल है। इस बाग को मुगल बागवानी का सबसे ऊंचा बिंदु माना जाता है। इस बाग को श्रीनगर का ताज भी कहा जाता है। शालीमार बाग की कारीगरी इस्लामिक उद्यान कारीगरी के अनुकूल है, लेकिन इसे फारसी उद्यान के रूप में माना जाता है। शालीमार बाग 587 मीटर की लंबाई, 251 मीटर की चौड़ाई और 12.4 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ एक उद्यान है। बाग में फवारा, चिनार और पेड़ पौधों से सुसज्जित 3 क्षेत्र है। उद्यान लगभग 1 मील लंबी और 12 गज चौड़ाई की एक नहर भी है। इस बाग में 4 स्तर है और यहीं पर जलधारा सदैव बहती रहती है, जिसकी जलपूर्ति होती है नजदीकी हरिवन बाग से। इस बाग के उच्चतम स्थान पर है ये उद्यान, लेकिन ये स्थान निचले स्तर से दिखाई नहीं देती है। ग्रीष्म और पतझड़ ऋतु में ये बाग का हर पेड़ पौधे के पत्ते रंग बदलते हुए दिखते हैं और अनेक रंग बिरंगी फूल भी खिलते हैं। शायद यही वो वजह है इस ऋतु को सबसे सर्वोत्तम माना गया है शालीमार बाग घूमने के लिए। शालीमार बाग को चीनी खाना या फिर ऑर्किड नीचेस के नाम से भी जाना जाता है। बाग के पिछले हिस्से में झरना है, जो कि हर रात को तेल के दीपक से रोशन किया जाता है और इसकी रोशनी से झरने को एक अलग ही सौंदर्य प्राप्त होती है। इस बाग को प्रयोजन के अनुसार 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है। बाहरी बागीचा, जो कि सार्वजनिक है, उसे कहा जाता है दीवाने आम। बीच वाला बाग है दीवाने खास और सबसे ऊपर वाला हिस्सा है जो कि शाही महिलाओं के लिए बनवाया गया था। शालीमार बाग लगभग 31 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है, जो चारों ओर से चिनार के पेड़ पौधों से घिरा हुआ है। डल झील से शालीमार बाग की दूरी है लगभग 2.8 किलोमीटर और श्रीनगर के मुख्य शहर लाल चौक से करीबन 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शालीमार बाग आप श्रीनगर से फ्लाइट, ट्रेन, बस, टैक्सी या कैब के सहारे आ सकते हैं। अगर खाने पीने की बात करें तो आपको गार्डन के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन आप बाहर ढूंढे तो वेज और नॉन वेज दोनों तरह की काफी सारी भोजनालय आपको उपलब्ध हो जाएंगी। वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर बजा दें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।